सो गाइज, पोको F5 5G डिवाइस के अंदर आज अपन करने वाले हैं BGMI गेम प्ले टेस्ट। इस नए वाले अपडेट क्रिमसन मून 3.4 के अंदर, वैसे ये डिवाइस स्मूथ पर एक्सट्रीम बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, तो डिवाइस के अंदर इस गेम प्ले को अपन स्मूथ प्लस 90 FPS प्लस एंटी एनालिजिंग 4X के साथ खेलने वाले हैं। सो गाइज, नेक्स्ट गिव अवे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर किया जाने वाला है, और ये गिव अवे पोको X6 प्रो 5G का है जो कि आपको नया दिया जाएगा। मेरे पास इस डिवाइस के 3 पीस अवेलेबल हैं, और सब्सक्रिप्शन वाला गिव अवे मैं आगे जाके अनाउंस करूंगा। तो इसके लिए भाई लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। वैसे गाइस, पोको F5 5G डिवाइस को लेकर मैं सीधे आ गया श्री वैम्पायर जी की हवेली पर। वैसे इस गेम प्ले पर आपका वेलकम है। बिल्कुल वेलकम है। सो मैंने आते बराबर कुल मिला के डबल बंदूक की पिछवाड़े पर शॉटगन चिपकाया था। यहाँ से आगे ये रहा तीसरा बंदा जिसके पिछवाड़े पर शॉटगन चिपकाया, पेटी बनाया। देन यहां से आगे अंदर से एक और बंदा आया हुआ था, इस बंदे की पेटी बनाया। बंदे की पेटी बनाने के बाद सामने एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है, बंदा खत्म। सो हमारे भाई ने, मुझे ऐसा लगता है, सीढ़ियों के पास से एक बंदा आ रहा था, उस बंदे की पेटी बनाए, यहां से अंदर आया, बंदा खत्म। मेरे हिसाब किताब से सीढ़ियों के पास एक और बंदा है। डिवाइस के FPS ड्रॉप थे तो मैं पीछे आया। मुझे इस डब्बे के पास 90 MO प्लस SMG का सप्रेसर, वैसे वो सप्रेसर नहीं था, एक्सटेंडेड था। सामने एक बंदा है, वैसे ये बंदा नॉक, बंदा पकड़ा। बंदे को पकड़ने के बाद सामने एक और बंदा था, ये वाला बंदा भी पकड़ा। सो गाइस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डिवाइस पर आपको स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 का 5G चिपसेट मिलता है। देन इस डिवाइस का N22 स्कोर 1.1 मिलियन, मतलब 11 लाख के आसपास आता है। वैसे मैं आया बंदों के पास, ये साला ना जाने इस बंदे को किस बंदे ने पकड़ा था, बंदे की पेटी बनाया। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं आगे आया। वैसे इस घर के नीचे मुझे ऐसा लग रहा है एक बंदा है, तो मैं इस बंदे के ऊपर सीधा जाके रश करता हूं। वैसे ये बंदा TPP लेकर खड़ा हुआ था, वैसे इस बंदे की नजर में लालच भरा हुआ था, हमारे भाई की पेटी बनाने का लालच। बंदा खत्म। इस बंदे की पेटी बनाकर मैं आगे आया। मुझे ऐसा लग रहा था भाई साहब सीढ़ियों के आसपास एक बंदा है, निकल जा बेटे, यहां से नीचे मुझे एक बंदा नजर आया। सो गाइस, ये बंदा डब्बे के पीछे छुप गया है, बड़ा वाला डब्बा। बंदा खत्म। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद सामने एक और बंदा था जो कि स्प्रेबाजी कर रहा था, यहीं कहीं पर बैठा पड़ा है ये बंदा। यहां से आगे बंदा खत्म। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद नीचे दो बंदे आ चुके हैं, वैसे अंदर एक और बंदा है, ये साला फूटा नहीं। वैसे गाइस, जो बंदे नीचे है ना, सबसे पहले इन बंदों की पेटी बनाता हूं। बंदा पकड़ा। इस बंदे की टीममेट की टाइमिंग वैसे गाइस बहुत ज्यादा अच्छी थी, स्पेशल गजब सीन। नीचे हमारे भाई को किसी बंदे ने दबोचा, बढ़िया। और यहाँ पर सो पेटी बनवाने के बाद मैं नीचे आया था रिकॉल टावर के पास, ये नीचे वाले घर, बीच में एक पुतला गड़ा हुआ है, उस पर भाई साहब मैंने वो टाइमिंग चालू किया। ना जाने ये बंदे कहाँ से आए थे, जिसमें से एक बंदा खत्म, पीछे से एक और बंदा आया, ये वाला बंदा भी खत्म। देन यहां से आगे डबल बग्गीबाज, ये डबल बग्गीबाज खत्म। यहां पे छुपा हुआ था, बंदा खत्म। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं निकला,
मेन जोन के अंदर, मेन जोन पे आया, सामने एक बंदा है पत्थर के पीछे। और नहीं जाने हमारे भाई चमगादड़ बन के क्यों उड़ रहे हैं, बंदा पेटी बनाएगा। ये साला टू व्हीलर वाला बंदा डिस्टर्ब कर रहा था, बंदा पकड़ा। वैसे इस बंदे का टीममेट पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जिस बंदे को भाई साहब किसी बंदे ने एकेएम चिपका दिया, यहां से आगे पहुंचा। वैसे इस बंदे की पेटी पर कौन सी वाली गन थी पता नहीं। वैसे गोली उठाया, गोली उठाने के बाद मैंने खाया पेनकिलर। पेनकिलर खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब मेरे जस्ट सामने वाले झाड़ के पीछे एक सांप लेटा पड़ा है, यहां से आगे जा रहा था सामने वाले सांप का पता लगाने। ये बाजू में लेटा पड़ा था, यहां से आगे सामने चिमनी फेंका। वैसे इस बंदे ने मेरे को दबोचा था, बंदा खत्म। इस बंदे की बनाने के बाद पेटी, मुझे नीचे वाले घरों पर एक बंदा नजर आया था, बंदा खत्म। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद इस मैच के अंदर मात्र एक बंदा बचा हुआ है जो कि सामने वाली रिच पर लेटा पड़ा है शायद। यहां से आगे पहुंचा मैं सामने वाली रिच पर, और यहां से आगे मुझे ये बंदा नजर आया, ये नीचे भागा। वैसे गाइस ये बंदा खत्म। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइस आपको फ्लिपकार्ट के अंदर नया मिल जाएगा। लेकिन भाइयों अगर आपको ये डिवाइस लेना है ना तो सेकेंड हैंड लीजिए, क्योंकि उस प्राइस पर 15,000 रुपए के आसपास अगर ये डिवाइस आपको देखने को मिलता है तो ये डिवाइस एक अच्छा डिवाइस होने वाला है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।